चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। दिल्ली में एक कैब ड्राइवर ने महिला के साथ छेड़खानी की है। महिला को जबरन कैब में बिठाने की कोशिश कर रहा था ये कैब ड्राइवर। स्थानीय लोगों के शोर मचाने के बाद ये कैब ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जबरन एक महिला को कैब में बैठाने की कोशिश कर रहा था। कैब ड्राइवर की इस हरकत को देखते ही स्थानीय लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद ये कैब ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दिल्ली में कैब ड्राइवर के द्वारा महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां कैब ड्राइवर जबरन एक महिला को कैब में बैठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों के शोर मचाने के बाद कैब ड्राइवर मौके से फरार हुआ। कैब ड्राइवर की हरकत को देखने के बाद स्थानीय लोगों को शक हुआ और स्थानीय लोगों ने इस कैब ड्राइवर की हरकत के बाद शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद कैब ड्राइवर मौके से फरार। महिला को जबरन कैब में बैठाने की कोशिश कर रहा था ड्राइवर। स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर कैब ड्राइवर मौके से फरार। महिला को जबरन कैब में बैठाने की कोशिश करने पर स्थानीय लोगों की तरफ से विरोध जब शुरू हुआ तो कैब ड्राइवर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों के शोर मचाने के बाद कैब ड्राइवर मौके से फरार हुआ। कैब ड्राइवर ने महिला के साथ छेड़खानी की। हमारे सहयोगी राकेश सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या कुछ पूरा मामला था? साकिन, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला जो है साउथ दिल्ली के आरकेपुर इलाके का है, और जिस तरीके से पीड़िता ने बताया कि जब वो अपने काम से अपने घर को वापसी जा रही थी, तभी जो कैब चालक है वो उसको अपनी गाड़ी में जबरन खींचने की कोशिश करता है। महिला इसका विरोध करती, साथ ही साथ जो महिला की आवाज सुनने का जो लोग होते वो यहाँ पर पहुंचते हैं, और उसके बाद जो ये कैब चालक है ये फरार हो जाता है। लेकिन जो गाड़ी का नंबर था वो महिला ने नोट कर लिया था, उसके बाद शिकायत दी जाती है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर जो आरोपी कैब ड्राइवर है उसको दिल्ली के पालम इलाके से गिरफ्तार किया, साथ ही साथ उस गाड़ी को भी जब्त किया जिस गाड़ी में इस महिला को खींचने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई उससे कहीं ना कहीं फिर से लग रहा है कि जो अपराधी है उनके अंदर पुलिस का खौफ नहीं, क्योंकि महज शाम के 7:30 बजे की पूरी घटना होती है, जिस वक्त लोग अनुमन रोड पर रहते हैं और बहुत इलाका है आरके ब्रह्म, उस इलाके में ये घटना घटती है, तो कहीं ना कहीं साकिर जो लोग हैं उनके अंदर पुलिस का उस तरीके का खौफ नहीं है, और इस महिला को खींचने की कोशिश गए थी। फिलहाल विरोध करने के बाद कहीं ना कहीं महिला बच जाती नहीं तो कहीं ना कहीं कोई एक बड़ी अनहोनी जरूर होती, कि क्योंकि कैब ड्राइवर अपनी गाड़ी के अंदर खींच रहा था और अकेली महिला थी, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश जरूर यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा था वो। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए।